hello everyone this is saf Emma your physics teacher and i welcome you all again to my youtube channel PhiCraft so students in our previous lecture we have discussed the concept of momentum concept of impulse and concept of the force as well so what we have discussed in momentum momentum is basically the product of mass and velocity so what is impulse impulse is the change in momentum and the formula for impulse is delta p is equal to mv minus mu and what about the impact force or the average force formula average force is basically or the simple force is basically the rate of change in momentum that's means we have to divide the impulse with respect to the time and after that we have talked about some elastic and inelastic collision in which the momentum remain conserved

क्या मतलब को निकला मतलब ये निकला स्टूडेंट्स कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक पेन है ये इमेजिन कर ले ये इस टाइम रेस्ट पे है ओके okay? और ये अगर पेन इस टाइम किसी खास वेलोसिटी से इसके करीब आ रहा है सो व्हेन इट कोलाइड व्हाट विल हैपन दैट बोथ द ऑब्जेक्ट गेट स्टिक टू ईच अदर एंड देन बोथ ऑब्जेक्ट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी ओके एक दफा दोबारा देख ले ये एक ऑब्जेक्ट है एंड देन ये ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है जो कि खास वेलोसिटी से मूव कर रहा है जैसे ही करीब आया क्या होगा आफ्टर बोथ ऑब्जेक्ट गेट स्टिक स्टिक टू अदर क्लियर दोनों स्टिक हो दोनों एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और उसके बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से स्टूडेंट्स क्या करेंगे मूव करेंगे बात समझ आ गई कि नहीं आ गई दोबारा देखिए हमने क्या पढ़ा हमने फार्मूला पढ़ा था एम वन यू वन एम टू यू टू सॉरी ओके okay, यही तो फार्मूला हमने इलास्टिक में पढ़ा स्टूडेंट्स ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया पर अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मोमेंटम है ये कंजर्व है और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इन इलास्टिक लास्टिक्पल में इस इस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये आफ्टर कोलिजन एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है इजी दैट्स मीन

अब मैं कुछ फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन कर देता हूं अगर ये मैथ्स का रूल अप्लाई करके इस इस और 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 को मैं कॉमन ले स्टूडेंट्स, तो आपके पास इक्वेशन इक्वेशन बन बन जाएगी और वो बन जाएगी वो इसके साथ मैंने क्या लिख लिया, ये लिक लिक लिया। Clear? अब हम ये यूज करेंगे किसके लिए कनेक्टेड बॉडीज के लिए कोलिजन कौन सी है?

Is equal to what is m1? It's 3 kg. Masses remain the same. What is m2? It's 4. And you have to find out the final velocity. Okay. So 8 multiply 3, it's students 24. And now it's 16. And 4 plus 3 is 7. And now V. Okay. So 24 plus 16, it's 40. And then you have to divide 40 with 7.

मीटर पर सेकेंड अब एक और टेक्निक करते हैं मैंने बोला कि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है आपने मैंने बोला और आपने यकीन कर लिया आप कह सकते हैं कि सर प्रूफ करके दिखाएं क्या ये आपने सही कहा कि नहीं सही कहा अगर तो मैंने सही कहा तो डैट्स मीन दोनों साइड में सा, आंसर सेम आना चाहिए और अगर मैंने गलत कहा तो दोनों साइड में आंसर सेम नहीं आना चाहिए बात सिंपल करते हैं सेवन वन लिख लें ताकि मेरी बात सही हो जाए ठीक है ओके वट इज एम वन इट्स बेटा थ्री के जी वट इज यू वन इट्स एट एंड वट इज एम टू इट्स फोर एंड वट इज यू टू इट्स फोर अगेन ओके नाओ थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट सेवन वन ओके अब जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो so आपका आंसर आ जाएगा एट थ्री ट्वेंटी अभी जो सॉरी जो पहले सॉल्व किया था आई गेस फोर्टी आएगा क्लियर एंड नाव दिस टाइम सेवन मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट सेवन वन ये जब सॉल्व करेंगे सो so, 40 एक साइड पे आ जाएगा 39.9 आ जाएगा यार थोड़ा सा तो आप चांस दे दो सो so, 40 40 और 40 दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स सेम हो गए क्या मतलब निकला मोमेंटम रिमेन कंजर्व किस किस में 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 और किस में एनर्जी भी सेम रहती है एनर्जी भी कंजर्व रहती है इलास्टिक और इन इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है इन इलास्टिक और इलास्टिक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वेरी करती काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती ओके okay? बस जितना समझ आ गया स्टूडेंट्स उतना काफी है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अब ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं ठीक है जिसमें आपको आ, क्या फाइंड आउट करना है सपोज अ ट्रक ये फाइंड आउट करना है ये आपको डाटा है कोलाइड्स एंड विद द स्टेशनरी ट्रक ये चेक कर लें ओके ये डायग्राम बनी है आपकी बस ये ये बनी हुई ओके एंड ये अब आपका सारा सोल्यूशन है ओके हो गया इस सोल्यूशन को एक दफा देखिएगा तो आई होप सो होप्स आप ये जो विलोसिटी है ये फाइंड आउट कर लेंगे जो कि कितनी आ रही है टू मीटर पर इसको खुद ट्राई करें ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस uh, की थोड़ी सी हैबिट बन जाए आप ओके okay, ओके okay? यहां देखिएगा स्टूडेंट्स नाउ पुट इन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके ये भी खुद ट्राई कीजिएगा मैं बस आपको एक का डाटा बना देता तो हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें अ ट्रॉली ऑफ मैथ थ्री के जी ट्रॉली है सो so, मैं उसको ट्रॉली को एम वन कह देता हूं मैथ कितना हो गया थ्री के जी हो गया इजी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड कोलाइड्स एंड विद द स्टेशनरी ट्रॉली ओके जी सो so, एक ट्रॉली मूव कर रही है और एक ट्रॉली स्टूडेंट्स क्या है बोले शाबाश एम वन यू वन हो गया एक ट्रॉली क्या है स्टेशनरी है तो जो स्टेशनरी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये लिखा है स्टेशनरी ट्रॉली और एम टू कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास एम टू है टू के जी एक दफा पढ़ लें आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी मैथ्री के जी है किस वेलोसिटी से मूव करे फाइव मीटर पर सेकेंड किससे गुलाइड करने लगा है M2 से M2 ट्रॉली से जिसका मैथ 2 के जी लेकिन जो रेस्ट पे है स्टेशनरी है तो U2 कितना हो गया जीरो हो गया क्लियर आगे चलते हैं एंड टू मूव टूगेदर दैट्स मीन आफ्टर क्लीजन मैसेज रिमेन द सेम एंड फाइनल लॉसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड v ओके okay? बस सेम मेथड से कैलकुलेट कर लें आई होप सो हो जाएगा ठीक है इसको देख लें ट्रॉली ऑफ मैथ 5 के जी तो so मैथ कितना हो गया फाइव हो गया कहा लॉस्टी फाइव मीटर को लाइट स्टेशनरी ट्रॉली एम टू यू टू क्या हो गया टू हो गया ओके द फाइव के जी ट्रॉली स्टॉप्स एंड द टू के जी मूव ऑफ विदी ओके सो वट इज टू ठीक है तो पहले ये दी हुई है और अब आपको वी वन देना है ठीक है अब आपको स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है वी वन और यहां पे क्या दिया हुआ वी टू दिया हुआ ओके सो एक दफा दोबारा खुद देख लीजिएगा द फाइव के जी ट्रॉली स्टॉप दैट्स मीन वी वन कितना हो गया जीरो आफ्टर कोलिजन स्टॉप हो गया और मूव्स विद वेलोसिटी दैट्स मीन आपने फाइंड आउट करना है इजी अगर मुश्किल लगा एक दफा खुद भी जरा फोकस करें हो जाएगा इतना तो मुश्किल नहीं ठीक है हमने प्रैक्टिस कर लिया काफी ओके okay, जी द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोजन व्हाट इज एक्सप्लोजन ऑब्वियसली एक जहन में आया धमाका जिससे जो एक मेजर ऑब्जेक्ट है एक बॉम्ब कह लो एक प्रेशर कुकर कह लो किसी भी चीज में प्रेशर अप हो रहा है, हो रहा है हद से अचानक वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट होता है और डिफरेंट पीसेस का कुछ खास होती है जो कि दूर, दूर जाके ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते है तो हमारा मकसद एक्सप्लोजन की डेफिनेशन पढ़ना नहीं है हमारा मकसद एक्सप्लोजन के अंदर मोमेंटम को स्टडी करना है मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है सो so स्टूडेंट्स याद रखिएगा मोमेंटम हर चीज में कंजर्व है भाई सिंपल सी बात हो गई मोमेंटम नहीं चेंज होने लगा जो मर्जी आप कर लें सो मोमेंटम इज कंजर्व इन एन एक्सप्लोजन सच एज अकर्स द राइफल इज फायर बिफोर फायरिंग एंड द टोटल मोमेंटम इज जीरो बोथ द फायर इज एट रेस्ट इसको लाइन टू पढ़ ली फिर मैं समझाता हूं ओके okay? अब इस केस को आपने जरा ध्यान से समझना है ओके <coughs> okay. ध्यान से देखिएगा इमेजिन करें इस टाइम ये है जिसपे बुलेट आप कहीं निशाना लगा रहे और आपने ऐसे करके पकड़ लिया है, okay? so है ये मेरी गन भी है छोटी सी ध्यान से देखिएगा ये जो गन है ये इस टाइम रेस्ट पे है और ये जो बुलेट है आगे ये भी इस किस पे टाइमेंटम क्या हुआ रेस्ट ऑब्जेक्ट का जीरो हुआ सो so दोबारा देख लें फार्मूला लगाता हूं एम वन स्टूडेंट्स क्लियर लेकिन मैंने कहा ये पहले रेस्ट में है तो यू वन भी कितनी हो गई स्टूडेंट्स जीरो हो गया यहाँ भी जीरो पुट करोगे यहां भी भी क्या पुट कर दोगे जीरो पुट करोगे तो आपका ये वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये तो जीरो हो गया एग्री कि नहीं एग्री बिफोर बिफोर फायरिंग जीरो हो गया अब चलते हैं हम आफ्टर फायरिंग में जब आपने फायर किया स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका जो हैंड है वो किधर मूव करेगा बैकवर्ड मूव करेगा और जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन सो इसका मतलब है बुलेट किस डायरेक्शन में गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में गन किस डायरेक्शन में गई रिवर्स डायरेक्शन में सो so मैं गन का जो वेलोसिटी है इमेजिन कर लें ये है वी वन और जो बुलेट की वेलोसिटी है स्टूडेंट्स ये कितनी है वी टू तो मैं क्या करता हूं मैं इस वी वन को मुझे अब लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा क्या ख्याल है क्योंकि अब आप मैंने आपको बताया ना कि विलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आप अगर रिवर्स हो जाए या दोनों डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो आप नेगेटिव साइन लेते हो तो देख लें मेरे आपको आपके सामने नेगेटिव साइन इक्वेशन क्या बन गई जब मैं इक्वल के उस साइड लेके आऊंगा चले अभी फिलहाल नहीं लेके आता ये ले जी M1 V1 M2 V2. अब इक्वेशन क्या बन गई अब इसको इक्वल के राइट साइड लेके आओ स्टूडेंट्स तो आपके पास बन गई इक्वेशन ये जो टू एम टू वी टू क्या पता चला अब आपने बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट इसका मतलब है इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि जिस मोमेंटम से दोबारा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट जिस मोमेंटम से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी मोमेंटम से ये जो गन है ये बैकवर्ड आ रही है बात समझ आई कि नहीं है दोबारा सुने जिस मोमेंटम से मैं वेलोसिटी नहीं कह रहा आप लोगों को फोरं ध्यान सर, बुलेट तो बहुत स्पीड से जाती है गन तो बैकवर्ड बहुत स्लो आती है नहीं नहीं मैं कह रहा हूं मोमेंटम बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना है वो हंड्रेड है तो गन का मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना हुआ हंड्रेड हो गया तो एक को आप प्लस हंड्रेड कह दो एक को माइनस क्या मतलब निकला ये सर ये ये क्या बात है ये हमें नहीं समझ आसान करते हैं इधर देखिएगा ये जो बुलेट है स्टूडेंट्स इसका मैथ बड़ा कम है क्या ख्याल है हंड्रेड ग्राम ले लें ले अपनी मर्जी से और इसको अगर किलोग्राम केल, में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा चलो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं जीरो पॉइंट वन के जी आ गया इजी ठीक है इसको जब आप टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कम ही आएगा ठीक है मोमेंटम ठीक है आ गया लेकिन उसका मैथ चूंकि कम है बुलेट का मैथ कितना होता है ग्राम्स में होता है स्टूडेंट्स जब एक ग्राम्स में एक ऑब्जेक्ट को हाई वेलोसिटी से मूव करवाओगे तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम आपका आ जाएगा चलो हम ये नहीं कहते कम आएगा लेकिन कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी लेकिन वो वैल्यू इतनी ज्यादा तो नहीं होगी कि जिसको हम अप्रोच ही ना कर सके जिसको गन अप्रोच ही ना कर सके क्लियर सो so, इस केस में मोमेंटम आपके पास कोई ना कोई आ गया जरा ध्यान से देखिएगा अब चूंकि गन की कम है स्टूडेंट्स, तो मैं इमेजिन कर लो यहां पे कुछ पुट कर देता हूँ गन की कुछ ले लो लेकिन क्या इसका मैथ ज्यादा नहीं है तो इसका तो मैथ ज्यादा है तो आप कहोगे इसका मैथ ज्यादा है अब इसकी एक वैल्यू ज्यादा इसकी एक वैल्यू कम इसका एक वैल्यू क्या है कम है और इसकी दूसरी वैल्यू ज्यादा तो ऐसे ही समझ लें जैसे थ्री मल्टीप्लाई टू के आंसर आ गया सिक्स और थ्री मल्टीप्लाई और अब आप, आप ले लोगे टू मल्टीप्लाई थ्री कर दोगे तो दो, दोनों दो, दो, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सिक्स इस आ जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स के नहीं समझ आए ठीक है दोबारा देख लें बुलेट का जितना मोमेंटम होगा उतना ही किसका मोमेंटम होगा गन का भी उतना ही मोमेंटम होगा मैं मोमेंटम की बात कर रहा करूं स्पीड की बात नहीं कर क्योंकि गन का जो मैथ है वो केजीज में है तो अगर मैथ ज्यादा हो तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ऐसा ही है ना क्योंकि दोनों इनवर्स का रिलेशन है तो अगर आपने एक हाई मैथ्स हाई मैसेव एक ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी जनरेट करनी है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम जनरेट होगी लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा क्योंकि मैथ्स की वैल्यू ज्यादा है और मोमेंटम नाम है मैथ्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का क्लियर और बुलेट में मैथ्स कम है तो एक चीज कम एक चीज ज्यादा दूसरी चीज गन के लिए क्या पहली चीज कम दूसरी चीज ज्यादा तो इनका जो प्रोडक्ट करोगे ये हमेशा स्टूडेंट्स कितना आता है सेम आता है सो ये हमने क्या पढ़ लिया एक्सप्लोजर में पढ़ लिया और ये आपने फार्मूला जो है ये जहन में रख लेना है इसी तरह कोई भी बम ब्लास्ट होता है ये वाटर मेलन कोई कितना, एनिमेशन में। अभी इसका कितना है? जीरो है, क्योंकि रेस्ट पे है जैसे ही एक्सप्लोड हुआ स्टूडेंट्स तो मैंने देखा जब इसकी डिटेल से ऑब्जर्वेशन की तो एक इसका पीस किधर गया इस साइड गया एक पीस किधर गया यहां एक पीस किधर गया इधर एक पीस यहां अगर एक पीस यहां जा रहा है तो एक पीस यहां जा रहा है एक इदर, तो एक पीस पीस इधर तो बैक डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या पता चला इसका मतलब है इन सारों के अगर मैं पीसेस का ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके मोमेंटम को ऐड करूं तो आपको पता है ना कि इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा पॉजिटिव साइन इसके साथ क्या नेगेटिव साइन क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है इसके साथ कौन सा साइन प्लस इसके साथ कौन सा नेगेटिव तो इक्वल अमाउंट में आपके पास प्लस के मोमेंटम बन जाएगा इक्वल अमाउंट में आपके पास नेगेटिव का मोमेंटम बनेगा और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो नेट मोमेंटम कितना बनेगा स्टूडेंट्स, अगेन जीरो बन जाएगा क्लियर हो गया अब इस पूरे पैराग्राफ को आप लोग डिटेल से पढ़ें और इस पिक्स को ये जो सॉरी जो गिफ्ट इमेज है इसको चेक करें तो आपको आई होप सो के समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना ये देखिए ना ये एक पीस इधर आ रहा है फॉरवर्ड ये देखिए हर डायरेक्शन में ये जो वाटर मेलन है ये स्प्रेड आउट हो रहा है इजी तो अगर हम हर पीस का मोमेंटम ऐड करें हर एक पीस का तो किसी की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी कोई ऐसा पीस जरूर होगा जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स में होगी तो उसके मोमेंटम के साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम होगा वो अगेन जीरो आ जाएगा सेम बॉम्ब के केस में भी ऐसा ही होता है ये देखिए उसने समझाने की कोशिश की है कि अगर एक का मोमेंटम इधर

इस को सिर्फ उसने टू पीसेस में कन्वर्ट किया चेक कीजिएगा कितना, है? ये कितना? तो अगर एक क्या हो? प्लस हो और दूसरा क्या हो नेगेटिव हो अब की मैं अपने पास से लो। ये एक की वैल्यू माइनस तो दूसरे की हर सूरत बेटा प्लस होगी इसका आंसर क्या आ गया जीरो आ गया सोनम बिफोर क्लूजन आफ्टर क्ल्यूजन एक्सप्लोजन के केस में भी ये देखिए टैंक को देखिए सामने से फायर करेगा खुद बैकवर्ड मूव करेगा अब इसको भी विलोसिटी स्टूडेंट्स उतनी ही मिली है जितना एक ग्रेड को मिली है एक बॉम्ब को को मिली है एक को मिलती है बुलेट मिलती फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकिन इस टैंक का मैच बहुत ज्यादा है तो क्या होगा ये मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकिन उस स्पीड से तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसका मैच ज्यादा है लेकिन जब हम इसके मैथ को इसकी विलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और इस बॉम्ब को हम इसके हल्के से मैथ से कम मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मोमेंटम क्या आता है

तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आई होप सो so, कि आपको समझ आ जाएगा थैंक यू सो मच्ल्हफ